दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जो कि वीर जवानों के लिए जलती थी, भाजपा सरकार ने उसे बुझाकर नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में मर्ज करने का फैसला किया। अब इस फैसले पर विपक्ष चुप तो बैठ नहीं सकता था, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। तो वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नए इंडिया के निर्माण के लिए और कितनी ऐतिहासिक धरोहर ध्वस्त करने का आइडिया है, अमर जवान ज्योति को लेकर दुखी और गुस्से में हूँ। वॉर मेमोरियल पर दूसरी ज्वाला में से उसे मर्ज करने वाले ज्ञान पर मुझे माफ करें, हम दोनों को क्यों नहीं रख सकते थे। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा कहते हैं, मिटाने वाली राजनीति, शर्म शर्म। जहां गुरुवार को ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि शुक्रवार से इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति को बुझाकर उसे नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में मर्ज कर दिया जाएगा, जो कि इंडिया गेट के पास ही है, जिससे लोगों का देश प्रेम भी जुड़ा है और लोगों की भावनाएं भी। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर उंगलियां तो उठनी थी। आपको बता दें कि 1971 के युद्ध में मारे गए जवानों की याद में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। 1972 के गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी साल 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां अब सरकार 50 साल बाद इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में मर्ज करने का फैसला कर रही है। ऐसे में इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।